चुनावी दौर, आज हर जगह विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी ने अपनी पैठ रखने के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया और आज जो हम बैठे हैं वहाँ थानेसर विधानसभा से बैठे हैं और आज हम आपको जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हम सीधी बात उनसे करवाएंगे आपकी कि वो इलेक्शन का क्या रुझान कह रहे हैं। अभी हाल ही में हुड्डा साहब को जो ELCC का इलेक्शन कमीशन का जो हेड बनाया है तो उसके लिए आज हम उनके नेतृत्व में अब जो इलेक्शन का कार्य चल रहा है वो हम सीधी बातचीत करेंगे। आइए हम सीधे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? शैलेंद्र जी, विधानसभा इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की डेट में। एक लोकसभा इलेक्शन थे जहां पर भाजपा ने 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त करी भारी बहुमत से। आज का दौर है विधानसभा इलेक्शन का। दोनों इलेक्शंस में जमीन आसमान का अंतर, वो इलेक्शन जो हाई कमान से चल रहा था और अब जो विधानसभा इलेक्शन है इसमें कैंडिडेट को भी देखा जाता है, पार्टी को भी देखा जा रहा है और एक वो जो BJP की लहर है और आप एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं थानेसर विधानसभा से, तो BJP की लहर होते हुए भी एक जो आला कमान कांग्रेस का अभी हुड्डा साहब के हाथ में आया, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, जो लोकसभा के इलेक्शन थे और जो विधानसभा के इलेक्शन हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो तो एक देश हित के लिए जाता है लोकसभा, पर जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो एक जमीन से जुड़े इलेक्शन होते हैं। उसमें वो सभी कार्य देखे जाएंगे, जो सरकार ने किए हैं, जो वादे हमसे किए थे वो सरकार ने पूरे किए हैं नहीं किए, वो सभी जमीन से जुड़े इंसान सभी वो देखेंगे अपने अपने भी, हमारा जो कार्य हमने बोला था, जो हमसे वादा किया था वो सरकार ने पूरा किया है नहीं किया, ये आप सब देख सकते हैं। आप आज के टाइम में हरियाणा का क्या हाल रखा है, जिस टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हुआ करते थे CM, तो उन्होंने जिस स्थिति में ये हरियाणा छोड़ के गए थे तो आज वो स्थिति में है या नहीं है वो सभी को पता है। जिस टाइम वो छोड़ के गए थे उस टाइम अपने हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे और आज 1,70,000 का कर्जा हो गया, 1,70,000 करोड़ का कर्जा, तो वो कहाँ बढ़ते, क्या विकास कार्य कर दिए। लेकिन अगर हम बात करें शैलेंद्र जी कि हुड्डा सरकार जो पहले हमारे सरकार थी और आज जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार हर बार दावा कर रही है कि हमने सड़कों का निर्माण किया है, हम अपने थानेसर विधानसभा की ही बात लेकर चले तो यहाँ पर हर यही दावा चल रहा है कि सड़कों का निर्माण हुआ, हर जगह लाइट हो गई है, हर जगह उजाला ही उजाला है, तो कहाँ तक ये जो विकास कार्य हुए हैं कहाँ तक ये इलेक्शन में साथ दे पाएंगे? तो जो अगर विकास कार्य बोलता है आज के टाइम में भाई विकास कार्य इतने हो रखे हैं, तो मैं उससे अनुरोध करता हूँ एक बार पीपली से और सिर्फ एक चक्कर पीपली से कुरुक्षेत्र के 3rd गेट तक लग, उसको विकास कार्य अपने आप पता लग जाएगा क्या कार्य हो रखे हैं। तो देखो, इतना जितना पैसा ऊपर से आ रखा है 1100 करोड़ पीछे आए थे वो कहाँ लगे, उसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास, ना हमारे आज के विधायक के पास है, मौजूदा विधायक वो कहाँ है। अभी 2-3 दिन पहले इन्हीं के उन्होंने इन पे मतलब जो इनके कार्यकर्ता है जो इनके पदाधिकारी है उन्होंने चिट्ठी लिख के आके भेज रखी है, वो सबके सामने वो लीक हो रखी है भाई क्या क्या कार्य किया, क्या क्या नुकसान कर रहे हैं विधायक यहाँ पे। तो देखो, जिस पार्टी के विधायक को उसी के कार्यकर्ता उसी के पदाधिकारी गलत साबित कर रहे हैं तो वो आप खुद समझदार हो भाई उसने क्या काम कर रखा होगा। तो शैलेंद्र जी, अगर बात करें हर जो उम्मीदवार होता है जो इलेक्शन में अपना एक मेमोरेंडम लेकर आते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, तो आप अगर आपको पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है थानेसर विधानसभा की तो आपका मेमोरेंडम क्या रहेगा, आप क्या कुछ कार्य करवाने की क्षमता रख के आ रहे हैं और क्या कुछ सोच के साथ इलेक्शन में जो रणभूमि है, इलेक्शन की एक रणभूमि है, तो उस रणभूमि में आप क्या कुछ सोच लेकर आ रहे हैं सर? सोच तो देखो एक ही होती है, सबसे पहले तो विकास के कार्य करने और सभी को मतलब गरीब अमीर को साथ लेके चलने, क्योंकि देखो अगर परिवार
अगर कोई आता है धनेश्वरा के से पूरे विधानसभा चाहे इलेक्शन लड़ता है तो वो विधानसभा उसका परिवार होता है, उसके सुख दुख में खड़ा होना उसकी जिम्मेवारी होती है। अगर पब्लिक उसको एक मान सौंप रही है तो देखो उसकी जिम्मेवारी है, हर जगह वो खड़ा मिलना चाहिए उनके सुख दुख में, तो ये होना चाहिए। और रही बात पार्टी की, पार्टी हाईकमान के ऊपर आई है तो देखो हुड्डा साहब के ऊपर है भी, हुड्डा साहब किसको भेज रहे हैं किसको नहीं, तो अगर हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया तो हम सेवा करेंगे, नहीं अगर जो उनकी जो भी इच्छा होगी जिसको वो कैंडिडेट बना के यहाँ भेजेंगे हम तो तन मन धन के साथ उनके साथ। शैलेंद्र जी पिछले काफ़ी इलेक्शंस में ये देखा जाता है कि वोट मांगने के टाइम तो हर कोई दिखता है, विजिबल रहता है, जनता के बीच में घूमते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद हर आदमी छुप जाता है अपने, सिर्फ उसको उसके बाद सिर्फ अपने ही मुद्दे दिखते हैं, उसको अपना ही सिर्फ स्वार्थ दिखता है, उसको अपने ही मुद्दे दिखते हैं, वो जनता के बीच में नहीं आता। कई ऐसे इलाके रह जाते हैं, कई ऐसी जगह रह जाती है, कॉलोनियाँ रह जाती हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वो अपनी पहुँच नहीं करता, तो क्या आप भी इसी तरह चलेंगे और क्या कुछ मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो ये तो अपने अपनी सोच होती है, देखो वो बोलते हैं अपने हाथ की उंगलियाँ पांच होती हैं, पांच से बराबर नहीं होती, तो हम वही बात बोलते हैं जिस इंसान की जो थिंकिंग हो वो हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारी तो एक सोच है कि हम सबको इकट्ठा लेके साथ लेके चले। जब हमारा धनेश्वर हल्का अगर हमें इसकी जिम्मेवारी मिलती है, पार्टी देती है और जनता हमें चुन के भेजती है, तो सबसे पहला कार्य हमें जनता की सेवा करने का होता है। और पूरे पाँच साल अगर मेरे को जनता यहाँ का अपना आशीर्वाद देती है तो पूरे पाँच साल में उनके लिए तन मन धन से आधी रात को भी उनकी सेवा के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे शैलेंद्र जी जो विधानसभा थानेसर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो जो ये अपनी नीति लेकर मार्केट में आ रहे हैं, जो इलेक्शन रणभूमि में आ रहे हैं, तो इनकी जो सोच है वो ये है कि सबका एक साथ विकास लेकर जाने को ये तत्पर हैं, और सबको अगर ये कहते हैं कि अगर हुड्डा साहब इनको वो जिम्मेवारी देंगे तो ये बखूबी उसको अपने तन मन धन से निभाएंगे। देखना ये है कि अभी दावेदार तो अपने हर जगह दावा दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी इसकी वो किसको ये सौभाग्य सौंपती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।